वीडियो आपको पढ़ने के लिए तड़पा सकती है, बशर्ते एक शर्त है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने पूरी देख ली ना, तो आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप जो चाहे बन सकते हैं, दुनिया में जो चाहे हासिल कर सकते हैं, बस आपको पता होनी चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, और आपकी मंजिल ऐसी हो कि उसे आसानी से हासिल किया जा सके पढ़ाई के जरिए। स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पढ़ाई। तो आज की इस वीडियो में मैं तीन पार्ट डिस्कस करूंगा। पहला, पढ़ा हुआ क्यों भूलते हैं, दूसरा, पढ़ा हुआ हम कैसे याद रख सकते हैं, और तीसरा, पढ़ने का सही तरीका क्या है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके बहुत काम की है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। ये स्टूडेंट की सोच और उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। हालांकि पढ़ा हुआ भूलना बहुत आम बात है, हर किसी के साथ कभी ना कभी होता है, लेकिन इसमें क्या सुधार किया जा सकता है जिससे कि हम पढ़ा हुआ ज्यादा वक्त तक याद रख सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि पढ़ लूंगा ना यार, और बहुत कोशिश के बाद पढ़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं। जो सोचते हैं कि पढ़ लूंगा, वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। उनका भूलना लाजमी सी बात है, क्योंकि वो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, और अगर वो फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भूलना तय है, क्योंकि उनका मन नहीं है पढ़ने का। इस वजह से उन्हें पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई तो होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। ना भूलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका पढ़ाई में दिल लगना, यानी कि जो आप पढ़ने वाले हो उसमें इंटरेस्ट होना, उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना। फिर जब आप पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में एक पिक्चर सी बन जाएगी जब आप उसे दिल से पढ़ोगे। आपको पूरी तरह पता होनी चाहिए कि आपको बनना क्या है। क्या आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हो? क्या आईपीएस बनने के लिए पढ़ना चाहते हो? क्या आईटी नीट क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो, या स्कूल में पढ़ रहे हो, टॉप करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो? आपका माइंड पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। अब जिस वजह से पढ़ना चाहते हो और पढ़ रहे हो, उसको नोट कर लीजिए, और सबसे पहले ध्यान देना कि आपको पढ़ना क्यों। जब एक मिशन होता है ना, तो मेहनत भी होती है। अब बात आती है कि पढ़ाई कैसे करनी, यानी कि पढ़ने का तरीका। तो ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। अपने सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। बहुत बड़ा प्लान या बहुत बड़ा सिलेबस लेकर मत चलिए। पढ़ना तो पूरा है, लेकिन एक ही बार में नहीं पढ़ सकते। एक क्रिकेटर एक ही बार में 100 रन नहीं बनाता, वो एक एक रन करके बनाएगा। बीच बीच में मौके मिलने पर चौके छक्के मारेगा। ये होती है कामयाबी का असली तरीका। इस तरह हम किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं। दोस्त, अगर आप दिल से पढ़कर कुछ बनना चाहते हो ना, अंदर से आग है ना कि मुझे करना ही है, तो पढ़ो, अपने आप पढ़ो। जिद्दी बन गए ना, तो पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा और मन भी लगेगा। बस जिद को पालना है और छोटी छोटी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना है और जिंदगी में कुछ बनकर रहना है। पढ़ने के लिए जब भी बैठो ना, तो एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ो, ताकि आपका माइंड फोकस हो कि मुझे आज इतना पढ़ना है। ये जिस दिन क्लियर हो गया ना कि मुझे आज इतना पढ़ना है, तो किसी भी हाल में पढ़ाई। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ताकत दी हो पढ़ने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो वीडियो को लाइक करके फैला दीजिएगा आपकी तरह, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।